नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये थंब रूल सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। जैसे कि हमने देखे, पहले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड हाई राइज बिल्डिंग का थंब रूल से देखा, उसके बाद हमने कंक्रीट और स्टील और आरसीसी वर्क का थंब रूल देखा, और लास्ट वीडियो में हमने शटरिंग का थंब रूल देखा। ये तीनों में देखते समय अब सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है लेबर। लेबर का जो भी आउटपुट है, लेबर का जो भी प्रोडक्टिविटी है, तो उसका भी कुछ थंब रूल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे ऑलमोस्ट 25 से 30% लेबर कॉस्ट है टोटल प्रोजेक्ट के एस्टिमेट का आता है। तो जो लेबर का जितना अच्छा एफिशिएंसी रहेगा, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा होगा। अब ये लेबर का एफिशिएंसी कैसे डेराव करते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स है, उसके कुछ थंब रूल्स है, या फिर एक दिन में लेबर कितना काम करता है, इसके बारे में हम आज डिटेल जानेंगे। थंब रूल्स फॉर लेबर इन कंस्ट्रक्शन एंड और लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब एक दिन में लेबर कितना काम कर सकता है, इसके बारे में हमें डिटेल वीडियो है। एसी ब्लॉक वर्क, अभी एसी ब्लॉक वर्क में अगर 8 इंच का एसी ब्लॉक वर्क है, जैसे मतलब 200 mm थिकनेस का एसी ब्लॉक है, तो वो एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 10 square meter तक काम कर सकते हैं। मतलब एसी ब्लॉक में 8 इंच का अगर थिकनेस है, तो एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 10 square meter काम करता है। वही अगर एसी ब्लॉक 4 इंची और 6 इंची है, वही थिकनेस अगर उसका 4 इंची और 6 इंची है, तो वही एक मेसन, एक मेल मजदूर और फीमेल मजदूर 8 square meter काम कर सकता है। इसके बाद है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में अगर 9 इंच का ब्रिक वर्क है, तो एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 1.25 cubic meter काम करता है। अब 9 इंची के लिए 1.25 cubic meter से एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर। वही ब्रिक वर्क अगर हाफ ब्रिक वर्क है, अभी 4.5 इंच का है, तो वो एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 1.25 square meter काम करता है। अभी प्लास्टरिंग का देखेंगे। प्लास्टरिंग में इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग अगर है, तो एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 10 square meter काम करता है। वही अगर एक्सटर्नल का है, एक्सटर्नल एंड सीलिंग प्लास्टरिंग का है, एक मेसन, एक मेल मजदूर और एक फीमेल मजदूर 8 square meter काम करता है। वही शटरिंग और स्टील। शटरिंग का जो गैंग है, जैसे गैंग रहता है, उसके हिसाब से एक कारपेंटर और एक हेल्पर एक दिन में 4.5 square meter काम करता है। एक कारपेंटर और एक हेल्पर एक दिन में 4.5 square meter काम करता है। और स्टील कटिंग का, स्टील का कटिंग, बेंडिंग और फिक्सिंग, जैसे कि स्टील का स्टील यार्ड में कटिंग करना है, बेंडिंग करना है, और बाद में साइड पे आके लोकेशन पे फिक्स करना है, फिर बाइंडिंग करना है, तो उसमें एक फिटर और एक हेल्पर 200 kg तक काम करता है। अगर स्ट्रक्चरल स्टील का काम है, तो एक फिटर और एक हेल्पर 150 kg काम करता है। फ्लोरिंग वर्क, फ्लोरिंग की बात की जाए तो टाइलिंग का जो है, एक मेसन, एक मेल मजदूर 10 square meter का टाइलिंग करता है, मतलब 10 square meter तक का टाइल बिछा देता है। वही अगर स्कर्टिंग का काम है, तो एक मेसन और एक मेल मजदूर 150 running feet तक का स्कर्टिंग करता है। अभी फ्लोरिंग में अगर बाथरूम फ्लोरिंग है, तो बाथरूम फ्लोरिंग में एक मेसन और एक मेल मजदूर 12 square meter तक का टाइलिंग बैठा देता है। वही अगर डैडो का या फिर वॉल का टाइलिंग है, तो एक मेसन और एक मेल मजदूर 12 square meter तक का टाइलिंग करता है, या फिर टाइलिंग बैठा देता है। उसके बाद अगर जिप्सम, जिप्सम का अगर एक मेसन और एक मेल मजदूर है, तो दिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 square meter तक का काम करता है। जबकि POP का है, तो एक मेसन और एक मेल मजदूर 7 square meter तक का काम करता है। पेंटिंग, पेंटिंग का देखा जाए तो एक स्किल्ड पेंटर और 2 हेल्पर, उनका अगर ऐसे गैंग पकड़े, तो एक दिन में ये लोग OBD अगर ऑयल वॉल डिस्टेंस पर है, तो 700 square feet काम करते हैं। एक स्किल्ड पेंटर और 2 हेल्पर इमल्शन का काम है, तो 900 square feet काम करते हैं। वही एक स्किल्ड पेंटर और 2 हेल्पर पुट्टी लगाना है, तो 600 square feet तक का काम करते हैं। वही एक स्किल्ड पेंटर और 2 हेल्पर प्राइमर का है, तो 800 square feet तक का काम करते हैं। अभी वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग के में से अलग अलग टाइप के वाटर प्रूफिंग रहते हैं, वैसे फिर भी ऑन एन एवरेज एक मेसन और 2 हेल्पर्स
चार स्क्वायर मीटर तक का वाटर प्रूफिंग करते हैं एक दिन में। ये जो भी सारी प्रोडक्टिविटी है वो एक दिन की मतलब 8 घंटे की है। ये 8 घंटे मतलब एक्सक्लूडिंग लंच है, जैसे अगर 9 बजे काम शुरू किया तो 9 से 1 और 2 से 6, इस हिसाब से 8 घंटे का आउटपुट है। अभी हम बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेट लेबर रेशो ऑफ वेरियस ट्रेड्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग के कुछ आइटम्स हैं उसमें लेबर का कितना परसेंटेज आता है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगर कॉन्क्रीटिंग का है, देखिए इधर एक टेबल बना हुआ है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड, लेबर परसेंटेज। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का है 20%, मतलब कॉन्क्रीट एक्टिविटी में लेबर का परसेंटेज आता है 20%। वुड वर्क इंक्लूडिंग ज्वाइनरी एंड फॉर्मर, इसमें लेबर परसेंटेज आता है 28%। स्टील वर्क का आता है 18%। ब्रिक वर्क का आता है 25%। इसके बाद फ्लोर फिनिशेस, फ्लोरिंग, टाइलिंग वर्क का आता है 25%। फिर प्लास्टरिंग का, प्लास्टरिंग में लेबर परसेंटेज आता है 35%। ग्लेजिंग, ग्लेजिंग में लेबर परसेंटेज आता है 12%। पेंटिंग, पेंटिंग में लेबर परसेंट आता है 35%। वाटर सप्लाई में लेबर परसेंट आता है 15%। इलेक्ट्रिकल वर्क्स में लेबर परसेंट आता है 15%। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी वर्क में लेबर परसेंटेज आता है 16%। फायर फाइटिंग में लेबर का परसेंटेज आता है 15%। रूफ कवरिंग में लेबर परसेंटेज आता है 15%। और लिफ्ट में लेबर का परसेंटेज आता है 14%। तो दोस्तों हमने देखा लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में और लेबर की एफिशिएंसी के बारे में। अगर लेबर ज़्यादा एफिशिएंस है तो उसका आउटपुट ज़्यादा मिलता है, यहाँ जैसे मैंने बोला उससे भी ज़्यादा वो आउटपुट दे सकता है। इसमें जो आउटपुट हमने मैंने बोला है तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रोजेक्ट में कितना लेबर लगेगा हम वो भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो भी क्वांटिटीज है, जो उसके हिसाब से हम कितना लेबर लगता है ये आउटपुट के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे थंब रूल सीरीज के पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अभी अपना आने वाला अगला वीडियो है थंब रूल फॉर मैसनरी एंड फिनिशिंग वर्क्स एंड सीमेंट कंजम्पशन एज पर थंब रूल। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।